गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 8. ओके, दैट वाज रिलेटेड टू द फेस्टिवल्स. ओके, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब जो है फेस्टिवल की बिगिनिंग होने वाली है. तो फेस्टिवल्स टाइम जो होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल फेस्टिवल होता है. जैसा कि अभी अभी हमने लास्ट मंथ में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करा था, दैट वॉज नेशनल फेस्टिवल. बताइए कौन सा फेस्टिवल था? वेरी गुड, दैट वॉज इंडिपेंडेंस डे. क्या था बच्चों? इंडिपेंडेंस डे था. और अभी हमने एक और फेस्टिवल जैसे कि तीज है, वो भी हमने अपने लास्ट मंथ में सेलिब्रेट करा था. एंड तीज इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, हम सभी जानते हैं. नाउ टुडे वी विल डू द बुक एक्सरसाइज. बच्चों, आज हम अपने चैप्टर नंबर 8 की बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. एंड चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डैश इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी. हमें बताना है कि विजयदशमी का दूसरा क्या नाम है. हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से स्टडी करा था. यस, दशहरा इज द नेम ऑफ या ऑल्सो नोन एज विजयदशमी. एंड ओणम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ. ओणम बच्चों कौन से स्टेट का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? यस, दिस इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. एंड हमारा जो थर्ड है, बसंत पंचमी सेलिब्रेटेड एट द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग सीजन. जो स्प्रिंग सीजन होता है उसके स्टार्टिंग में बसंत पंचमी सेलिब्रेट करी जाती है. एवरी ईयर जो स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, तो उस टाइम पर बसंत पंचमी सेलिब्रेट करी जाती है. ओके, एंड नाउ ट्रू फॉल्स. टर्न फॉर ट्रू फॉल्स. हमारे पास स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है. जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज ऑन योर स्क्रीन, गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ 10th सिख गुरु. बच्चों जो गुरु पर्व है, क्या वो 10th सिख गुरु, जो 10th सिख गुरु थे उनके मार्क में मनाया जाता है? यस, इट इज ट्रू. सेकंड जो है, होली मार्क एट द एंड ऑफ समर, फॉल्स. ये एंड ऑफ विंटर होता है बच्चों, तो यहाँ समर लिखा है, दैट इज फॉल्स. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर. आपको बताना है कि जो क्रिसमस है वो एवरी ईयर 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है. यस, इट्स ए ट्रू. एंड फोर्थ इज लंगर आर हेल्ड इन ग्रुप पर्व. ग्रुप पर्व के अंदर लंगर होते हैं. यस, इट इज ऑल्सो ट्रू. नाउ टिक द करेक्ट. टिक द करेक्ट में फर्स्ट बताना है, दशहरा इज अ डैश. दशहरा क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल है, चेंजिंग ऑफ सीजन फेस्टिवल है, या फिर नॉन ऑफ दिस? इट्स आंसर इज रिलीजियस फेस्टिवल. दशहरा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल. हिंदू रिलीजन पीपल आर सेलिब्रेटेड दशहरा एवरी ईयर. ओके, एंड सेकेंड वन इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, हमें बताना है. जैसे कि पोंगल, इट इज ऑल्सो हार्वेस्ट फेस्टिवल. ओणम, दिस इज ऑल्सो हार्वेस्ट फेस्टिवल. मार्क बुई, इट इज ऑल्सो हार्वेस्ट फेस्टिवल. एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ दिस, तो इट्स आंसर इज ऑल ऑफ दिस. एंड थर्ड क्वेश्चन इज, वेरी सेलिब्रेटेड द रिपब्लिक डे ऑन. हम रिपब्लिक डे बच्चों कौन से डेट को मनाते हैं? वेरी गुड, दैट इज ऑन 26 जनवरी. ओके, देन आफ्टर देर आर क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल. आपको अलग अलग जो रिलीजियस फेस्टिवल है उनके नेम राइट डाउन करने हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में, नेम एनी 3 हार्वेस्ट फेस्टिवल. आपको कोई भी 3 जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है उसके नेम राइट डाउन करने हैं सेकंड क्वेश्चन में. थर्ड क्वेश्चन में बच्चों, हाउ इज पोंगल सेलिब्रेटेड. पोंगल जो है बच्चों कैसे सेलिब्रेट करा जाता है, इसके बारे में हमें बताना है. तो पोंगल कैसे सेलिब्रेट करा जाता है बच्चों, हमने चैप्टर में स्टडी करा था. तो जल्दी से बताइए चैप्टर खोल के कि पोंगल कैसे सेलिब्रेट करा जाता है. ओके, तो पोंगल वाला हम जब चैप्टर ओपन करेंगे, तो पोंगल है पेज नंबर 48 पे. पोंगल इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिल. इट मार्क द एंड ऑफ राइस हार्वेस्टिंग. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ तमिल मंथ. इसका जो हमारा आंसर होगा, इसमें लिखा हाउ इज़ पोंगल सेलिब्रेटेड, तो कैसे बच्चों इस दिन क्या होता है, जो द सन गॉड इज़ वर्शिप. इस दिन जो है, जो गॉड सन है उनकी वर्शिप करी जाती है. अ राइस डिश पोंगल इज मेड एट द ऑफर टू द सन. और इस दिन जो राइस है, जो डिश है, वो बनाई जाती है और जो गॉड सन है उसको, उनको जो है ऑफर करा जाता है. ओके, इस दिन